चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए एक साथ आई तीन बड़ी अपडेट। मिचेल स्टार्क देंगे आईपीएल नीलामी के लिए अपना नाम। राहुल तेवतिया हो सकते हैं ट्रेड विंडो के जरिए चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2023 में खिताब जीत सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। हमने चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पर आपको खास चेन्नई से जुड़ी हर एक अपडेट मिलती रहेगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही जल्द हमें रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट मिलने वाली है। 16 दिसंबर को हमें मिनी ऑक्शन देखने को मिलेगा जहां पर सभी टीमें कुछ नए खिलाड़ियों को खरीद सकती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी तीन बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। पहली अपडेट है मिचेल स्टार्क को लेकर के। आपको बता दें मिचेल स्टार्क पिछले 7 सालों से आईपीएल में नहीं खेले हैं, लेकिन मिचेल स्टार्क ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो आईपीएल 2023 में वापसी करने वाले हैं। मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क का नाम शामिल होगा। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मिचेल स्टार्क को जरूर खरीदना चाहेगी। यहाँ पर दूसरा नाम है राहुल तेवतिया का। राहुल तेवतिया का प्रदर्शन आईपीएल 2022 में काफी शानदार रहा था। उन्होंने कई मुकाबले अपने दम पर गुजरात टाइटंस को जिताए थे। खबरों की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ट्रेड विंडो का फायदा उठाते हुए राहुल तेवतिया को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। हालांकि राहुल तेवतिया की जगह कौन सा खिलाड़ी गुजरात टाइटंस में शामिल होगा इसके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है। यहाँ पर तीसरी बड़ी अपडेट चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग के बयान को लेकर के है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बाद उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2023 में खिताब जीत पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।